पूरे पंजाब विच जिथे झोने की बिजाई का काम 13 तरीक न शुरू हो चुका है, पर पंजाब के जिला मोगा के झोने की बिजाई कुछ हिस्सों में हाले शुरू नहीं हुई। दसिया जा रहा है कि बिहार यूपी तो आने वाले मजदूरों की कमी कारण मोगा विच किसान काफ़ी उदास नज़र आ रहे हैं। मजदूरों की कमी के कारण रेलवे स्टेशन से किसानों की पीड़ आम देखी जा सकती है। मोगा रेलवे स्टेशन से खड़े किसानों ने जब मीडिया नाल गलबात की तो उन्होंने दसिया कि वह पिछले 5-6 दिनों तो रोज़ स्टेशन उत्ते आते हैं तो शाम तक मजदूरों की राह देखते दे रहते हैं, पर अंत में उन्होंने शाम को खाली हाथ वापस जाना पैंदा है, जिस नाल झोने की बिजाई काफ़ी लेट हो रही है। उन्होंने दसिया कि जो मजदूर आ रहे हैं वह भी अपनी मनमर्जी के मुताबिक एक खेत का रेट मांग रहे हैं जो किसानों की पहुँच तो बाहर होंदा जा रहा है। हुण किसानों ने पंजाब सरकार को गुहार लाई है कि मजदूरी का रेट फिक्स किया जाए, क्योंकि किसान जिन्हों को 1-2 एकड़ जमीन है उन्होंने रकम देने कोई दिक्कत नहीं, पर जिन्हों को ज़्यादा रकबा है उन्होंने भारी खर्च चुकना पैंदा है। नाल ही सरकार वालों झोने की MSP ना वधाई जाने कारण भी किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। पिंड ख्वाया खड़का डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुरा, इतने अं लेबर की लैन आने परदेसी लोग जो भई आते 3-4 दिन हो गए सानू इतने बैठे तो सानू लेबर नहीं मिल रही। की वजह दसी अरे क्यों नहीं मिल रही लेबर? इसका कोई कह नहीं सकते, अगे बंदे पक्के आते कि साढ़े वो बंदे पक्के नहीं आए, इसलिए सानू खजलखुआरी करनी पै रही आ। जे किसी तो पुछीदा तो कह देंगे भी पक्के थान जाना जिथे पहला जाना, तो पिछे कई जट आते इतने होर भी वो एक दूजे तो रेट वध के लाते बोली लाते हैं, तो लेबर की बहुत भारी समस्या। पिछले साल किन्ना रेट सीगा ते हुण किन्ना मंगदे? पिछली बार 2500-2600 रुपये तो असी कम करवाया सी, तो हुण 3500-3000 रुपया हम तो जिमें किसी का सूट लगता लग्गी फब्बी ला के उवें लै जाते लालच दे के। 13 तरीक निश्चित की गई सी पंजाब सरकार वालों, अज 16-17 तरीक हो गई है, तो उस तो बाद भी झोना हजे तक नहीं लग रहा कई जिले, कई थोड़े वाले इलाके नहीं लग रहा, मोगे च नहीं लग रहा है, तो की वह प्रभाव की पेगा? यदा प्रभाव यही आ भी इस तरह जे हर बार हों तो किसानों बहुत आने वाले समय में भयानक समस्या का सामना करना पू, क्योंकि जिहड़ा किसान जट आ उन निर्भर ही मजदूर दते आ, जिस तरह हुण मजदूर नहीं आ रहा इसलिए रेट पर भी असर पैंदा, जट की खजल खुआरी भी आ, तो इस नाल बहुत नुकसान होंदे अनुसार। तो यहाँ पे मजदूरी के लिए आए हो, धान की खेती शुरू हो गई है, तो यहाँ पे स्टेशनों पे आप अभी बैठे हो, क्या है दिक्कत? यही है कि अब की बार मजदूर यहाँ पर बहुत कम पहुँच रहा है और गाड़ी में ज़्यादा भीड़ चल रहा था, इसीलिए हम लोग का पिछले साल वाला बंदा उससे कम आए हैं अब की बार। तो जब आप स्टेशन पे पहुंचते हो, गाड़ी पहुंचती है, तो किसानों का? किसान तो बहुत तबाह करता है कि मेरे तरफ के लोग कदम मेरी तरफ के लोग बहुत तबाह करता है किसान। तो पिछली बार जैसे मजदूरी का रेट था 2400-2500-2600 रुपया, इस बार आप 3000-3500 से लेकर 3500 रुपया मांग रहे हो, तो क्या वजह है उसकी? इसका वजह है कि बात है कि हर चीज़ का मजदूर का भी जितना है कि उसका भी मजदूरी होना चाहिए, कि मजदूर का भी मेहनत देख लो वहाँ से कितना दूर से आते हैं, उसका खर्चा उर्चा, सब्जी टिकट का भी रेट बढ़ गया है, चावल का भी रेट बढ़ गया है, सब्जी का आलू का भी सब चीज़ का रेट बढ़ गया है, क्या मजदूरी के कौन बढ़ेगा रेट पर। मोगा तो जर्नलिस्ट संजीव अरोड़ा ते कैमरामैन रजिंदर कुमार की स्पैशल रिपोर्ट के नाल, ब्यूरो रिपोर्ट द TV NRI।